मुंबई में एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी तहकीकात। सर रूम वगैरह के लिए बताते हैं भैया, रेंट पे लोकन वाला साइड में क्या सिंगल लेना हो तो नहीं देंगे? ऑपरेशन सिंगल गर्ल। माया नगरी मुंबई, सपनों का वो शहर जहां ना मालूम कितनी लड़कियां अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए आती हैं, लेकिन यहां एक अकेली लड़की को रहने के लिए घर नहीं मिलता। मुंबई का चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी सोसाइटी हो, एक अकेली लड़की के लिए यहाँ घर ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे आम हो या खास, मुंबई में हर लड़की की यही दास्तान है। यहाँ एक अकेली लड़की के लिए किराए पर कोई घर हासिल कर लेना मतलब कोई बड़ी जंग जीत लेना है। लोकन वाला साइड में क्या सिंगल लेना हो तो नहीं देंगे? नहीं, लोकन वाला साइड में नहीं। कुछ दिन पहले ही फिल्म मुन्ना माइकल की अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने ये आरोप लगाया था कि सिंगल होने की वजह से ही उन्हें बांद्रा स्थित एक सोसाइटी से निकाल दिया गया। मैं सिंगल थी और यही बात सोसाइटी के लोगों को रास नहीं आई। मैं जिस मकान में किराए पर रहती थी, सिंगल होने की वजह से मुझसे वो मकान खाली करवा लिया गया। हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री कल्कि कोचलिन जब अपने पति अनुराग कश्यप से अलग हुई थी, तब उन्होंने भी इस बात को माना था कि मुंबई में सिंगल लड़की हो या सिंगल लड़का, किसी को भी आसानी से घर नहीं मिलता। तो क्या ये सच है? क्या यही मुंबई की हकीकत है? देखिए माया नगरी मुंबई में एबीपी न्यूज की ये बड़ी तहकीकात। माया नगरी मुंबई, न जाने कितने युवा लड़के लड़कियां इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। कोई यहां फिल्मों में काम के लिए आता है, कोई टीवी सीरियल्स में, कोई मॉडलिंग में, तो कोई किसी अन्य फील्ड में। मुंबई में रंगीन सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के भरपूर अवसर भी हैं। यहां न तो रोजगार की कमी है और न ही रोटी और कपड़े की। लेकिन अगर आपका स्टेटस सिंगल है तो खुद को हर मुसीबत के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां एक सिंगल लड़की के लिए घर ढूंढना किसी जंग से कम नहीं है। मुंबई यानी सपनों का शहर। न जाने कितने लोग अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए इस शहर में आते हैं। कहते हैं कि मुंबई में सबके लिए जगह है। जगह तो है लेकिन घर नहीं है। जी हाँ, अगर आपका स्टेटस सिंगल है तो ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस मुंबई शहर में आपको एक घर ढूंढने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या होता है जब एक अकेली लड़की मुंबई में किराए का घर ढूंढने निकलती है? इस सच्चाई को एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में हमने कैद किया है। फिर रूम वगैरह के लिए बताते हैं भैया, रेंट पे लोकन वाला साइड में क्या सिंगल लेना हो तो नहीं देंगे? ऑपरेशन सिंगल गर्ल। खुफिया कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जिसकी पूरी कहानी आपके होश उड़ा देगी। इन तस्वीरों में कैद है उन अकेली लड़कियों का दर्द, जिसे लंबी तहकीकात के बाद आप तक लेकर पहुंची है एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह। एक अकेली लड़की के लिए मुंबई में घर ढूंढना आखिर कितना मुश्किल भरा काम है, अंजलि ने इसकी गहराई से पड़ताल की है। देखिए माया नगरी मुंबई में ये बड़ी तहकीकात। एक सिंगल लड़की के लिए इस मुंबई शहर में किराए पर घर ढूंढ पाना कितना मुश्किल काम है, ये जानने के लिए हमने मुंबई के लोखंडवाला, ओशीवारा, कांदीवली और गोरेगांव इलाके में पड़ताल की, और जो सच सामने निकल कर आया वो वाकई हैरान करने वाला था।
दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के लिए मशहूर इस मुंबई शहर में टीवी और फिल्मों में किस्मत आजमाने आई लड़कियों के लिए किराए पर घर ढूंढना ही सबसे टेढ़ी खीर है। माया नगरी मुंबई में एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की ये पड़ताल सबसे पहले शुरू हुई टीवी और मीडिया का हब कहे जाने वाले अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा और लोखंडवाला इलाके से। यहाँ अंजलि सबसे पहले ओशिवारा के एक प्रॉपर्टी डीलर से मिली। अंजलि ने ओशिवारा के इस प्रॉपर्टी डीलर को बताया कि वो सिंगल हैं और मुंबई में रहने के लिए घर चाहिए। अब तक तो प्रॉपर्टी डीलर बड़ा ही खुश मिजाज लग रहा था, लेकिन सिंगल लड़की की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, लोखंडवाला में सिंगल लड़की के लिए कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी वाले सिंगल लड़की को रूम देने से साफ मना कर देते हैं। फिर रूम वगैरह के लिए बताते हैं भैया, रेंट पे ये यही वाला चाहिए, लोखंड वाला या अंधेरी वेस्ट ओशिवारा इधर पे। आपका नंबर देखे रखे हैं, अभी तक करके काम नहीं है। क्या है आपका लोग? अभी तो मेरे पास लोकल कोई नंबर नहीं है, मैं एक्चुअली दिल्ली से आई हूँ। तो यहाँ पे वैसे क्या है, मतलब रूम का वन रूम किचन वन बेडशीट? वन रूम टाइप तो चाहिए, लेकिन मतलब वैसा चाहिए कि थोड़ा सोसाइटी वगैरह में थोड़ा सेफ एरिया में। अभी तो फिलहाल नहीं है, गोरेगांव साइड चलेगा क्या आपको? मैं एक्चुअली उसमें मतलब दिल्ली से आई हूँ टीवी वगैरह के लिए ऑडिशन देने के लिए, तो गोरेगांव तो थोड़ा दूर पड़ेगा। फिर आप नंबर देके जाइए, आपका मंडे को फ़ोन करके बताइए, या कल बता देता हूँ। अगर आपका बजट में अगर रहेगा तो आपका बजट क्या है? बजट यहाँ पे मतलब कितना है अभी यहाँ पे? अगर आप लेने जाएंगे तो वन रूम किचन है ना, आपको तो 16-17 तक जाएगा यहाँ, और वन बेडरूम 32-33 के आसपास जाएगा। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, सिंगल ही देते हैं वो? आप अकेले ही रहेंगे? मैं तो अभी क्योंकि एकदम यहाँ नई आई हूँ ना, तो ऐसे तो कोई है नहीं। हाँ, यहाँ पे वैसे क्या रहता है हिसाब? यहाँ पे मतलब 50-50, अगर वन रूम किचन रहेगा तो 50,000 डिपॉजिट रहेगा, और जो भी भाड़ा रहेगा वो 16-17 एडवांस में 1 महीने देना पड़ेगा। तो अकेले को दे देंगे या? अगर ऐसा एरिया रहेगा तो अकेले को दे देंगे। अगर ये इधर एक दो बिल्डिंग है पंचवटी पर लोखंड वाला में तो सबसे ज्यादा मतलब वहाँ पे ये सब टीवी वगैरह वाले लोग रहते हैं। देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो वहाँ मना करके रखते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले देते थे, अभी बंद कर दिया, सोसाइटी अलाउड नहीं करती, नोटिस भेज देते। अच्छा, मतलब ओनर नहीं, सोसाइटी मना कर देती। हाँ। तो मुझे तो वैसे लग रहा था कि सोसाइटी में थोड़ा सेफ रहता ना अकेले। हाँ। रहना तो सोसाइटी में तो क्या, कभी लेट हो गया, कोई फ्रेंड भी ना जाते हैं घर के, पार्टी वार्टी करते हैं, तो उसमें ये होता है। ओशिवारा के एक प्रॉपर्टी डीलर ने मना किया तो अंजलि एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंची, और यहां भी वही कहानी थी। ओशिवारा के दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने सिंगल्स को घर न देने की लंबी वजह बताते हुए ये तक कह डाला कि यहां सिंगल्स को रूम न देने की हिदायत पुलिस ने दी है। आगे इसने हमें बताया कि सोसाइटी में सिंगल लड़की को घर एक ही शर्त पर मिल सकता है, अगर उसके माँ बाप भी बीच बीच में आते रहे। इसी प्रॉपर्टी डीलर ने हमें ये भी बताया कि कुछ चालाक किस्म के डीलर सिंगल लड़की को घर दिलवाने के लिए मकान मालिक के सामने किसी को उसका नकली माँ बाप बनाकर भी पेश कर देते हैं। रूम रेंट पे पता करना था। मुझे चाहिए इधर वाले एरिया में, कहीं अंधेरी वेस्ट मतलब लोखंड वाला के आसपास या कहीं।
कितना बड़ा रूम है? वन रूम सेट टाइप। और बजट टॉप रेट की? बजट का मुझे वैसे तो आइडिया नहीं, पर यहाँ पे कितने तक मिल जाएंगे? 21-22 हमारे लिए। अच्छा, तो इससे कम में नहीं है? इसे क्या? मतलब 17-18 तक, या अगर क्या, मैं तो अभी सिंगल हूँ, अगर कोई साथ में किसी को देते हैं 17-18 में आपको सिर्फ वन रूम किचन मिलेगा, कन्वर्टेड नहीं मिलेगा। अच्छा, पर 18 से कम नहीं होगा मैम। अच्छा, आप क्या करते क्या? मैं अभी दिल्ली से आई हूँ, मैं 2-3 दिन ही हुए आए हुए, तो मैं एक्चुअली ऑडिशन वगैरह देने के लिए आई हूँ यहाँ टीवी और इसके लिए। तो इधर पास में, क्योंकि थोड़ा लोखंडवाला वगैरह पास पड़ता है, इधर बाजू में है, 18,000 वाला। तो अकेले ही मतलब रहना होता है या कोई साथ में भी? अच्छा, तो ये सोसाइटी वगैरह के अंदर है, जैसे मैं चाह रही थी कि सोसाइटी वगैरह में। उनको अगर मैं यहाँ से दूँ, यहाँ से अंकल की किचन के बाजू में है, 14,000 भाड़े पे है, 14,000। कभी कभी तो आ ही जाएंगे, मतलब यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं मीरा रोड में, लेकिन वो तो मेरे को दूर पड़ता है। हमारे पापा, मम्मी, डैडी अगर आते हैं तो सोसाइटी में हम बोल सकते हैं कि ये बेटी जो है इसके माँ बाप आएंगे, गुड फॉर यू एंड मी आल्सो। और अगर नहीं आते तो वो क्या फिर मना करते हैं सोसाइटी में? हाँ, चलता अभी हम फिर लड़की को देना है तो जो चालू एजेंट होते हैं माँ बाप को खड़ा करते हैं कि हमारी बेटी है, हम रहते हैं, हम आते जाएंगे, ये करेंगे, चालू बनेगा। अच्छा, बट ऐसा तो गिरावट माता जी का मर्डर की अभी तुम नहीं है, ये ऐसे मतलब जो सिंगल एक्टर वगैरह है, तो ऐसा अंकल जी के मतलब सोसाइटी वालों का ही ऐसा रूल होगा ना कि? नहीं नहीं, पुलिस का है, पुलिस का रूल है, जितने एजेंट है उनको बुला के बोला है। नहीं, वेरिफिकेशन तो आप पूरा ही करेंगे, वो तो कोई फिर भी बोला है कि मैक्सिमम ये लोग अवॉइड दिखते ही सिंगल लड़का या सिंगल लड़की, अच्छा बोला है, बट हम रखते हैं अगर पुलिस बोलती है सब, पर ऐसा रूल तो नहीं है। मेरे को जब बैड एक्सपीरियंस आता है तो बोलते हैं। मैंने एक्चुअली लोखंड वाले में भी एक दो जगह पता किया था, पर वो यही कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल है। नहीं, लोखंड वाले में नहीं मिलेगा मैडम, बेचारा मैं पता ही मत करो। मुझे जो दोस्तों ने सजेस्ट किया ना, तो उन्होंने लोखंड वाला ही सजेस्ट किया। मैं बोलता हूं उनके सजेशन में तो आप लैब सुधारी देगी नहीं बेचारा को। जैसे लोखंड वाला एग्जैक्टली आपको अगर मिलेगा तो मतलब ऐसा सोसाइटी मिलेगा कि आपको गड़बड़ करके ही घुसना पड़ेगा, और फिर वो बीच में आपको तकलीफ आएगी। इसमें क्या है, हम लोग सामने सोसाइटी में बैठेंगे, ये अकेले रहेंगे, हाँ ये अगर चाहिए तो इनके मॉम डैड आते जाते रहेंगे, इतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब आपको फ्यूचर में तकलीफ नहीं आएगा? अच्छा, लोखंड वाला में तो भाड़ा भी ज्यादा रहेगा और आपको सोसाइटी बैठने को दे देनी है, फिल्म लाने वाले तो बिल्कुल ही बहुत ओशिवारा इलाके के इस प्रॉपर्टी डीलर की बातों को सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। और अब मिलिए इसी इलाके के एक तीसरे प्रॉपर्टी डीलर से। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इस तीसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास भी पहचान छुपाकर पहुंची थी, और यहां भी इस प्रॉपर्टी डीलर ने वही कहानी दोहराई जो पहले दो प्रॉपर्टी डीलर सुना चुके थे। इसका कहना था कि सिंगल लड़की को सोसाइटी वाले घर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिंगल्स रात को देर से आते हैं, पार्टी करते हैं, शराब और सिगरेट पीते हैं, और इससे कई किस्म के खतरे रहते हैं। क्या वर्किंग है? अभी वर्किंग में अभी आई हूँ, एक दो जगह बात करके और ऑडिशन वगैरह वही देना है, तो घूम फिर के पता कर रही हूँ। हमें पूछना पड़ता है कि हुनर आपको पूछेंगे कि क्या करते क्या नहीं, फिर आपका जो है मंथली पे कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि उनको भी लगता है कि मंथली 12 आना चाहिए, ये सब प्लेयर होना जरूरी है। मैं जो बात करूँगा फिर आपको अच्छा नहीं, वो हुनर बोले तो आपने बताया नहीं सब, तो एक क्लेरिफिकेशन होता अच्छा। तो आप जो पूछ सकते हो फिर अपना 20-20 हज़ार आप रेंट दे रहे हो तो आप कैसे बेयर कर रहे हो, तो आप बोलेंगे कि मेरे पैरेंट्स वगैरह वो दे देंगे तो मैं जब तक मेरा वर्किंग नहीं, तो ये बात होती है। तो एक प्लेयर होना जरूरी है। अच्छा मतलब तो आप फ्रीलांसर है ना अभी, तभी वो शायद लड़कियों को तो, और वहाँ लोकल वाले में मैंने पूछा तो लड़कियों को तो वो और ज़्यादा ही मना कर रहे थे कि नहीं सिंगल है लड़की तो क्योंकि बैचलर्स के लिए नहीं देते, या फिर ऑप्शन आता है कि आपको पीजीआई की एडमिशन जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश लोगों ने लिया रहता है तो उसमें आपको सेव करना आपके बजट मतलब रूम होता फिर भी मना क्यों करते हैं? नहीं देते ना लोग, क्या होता है ये जब अभी ऐसे देखने जाए देखो एक के मतलब जिससे ना आप सबके कितने भी अच्छे रहेंगे लेकिन ये पूछते ना बैचलर था तो ऐसे ऐसे कंडीशन होंगे, बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी हाल फिलहाल आपने पेपर में पढ़ा हुआ प्रीतिका शर्मा था, वो भी हाँ अभी जस्ट से आपका वीकेंड इस दिन है, वो भी सिंगल है मतलब आपसे टीम से रिलेटेड है, इसमें भी सुसाइड वगैरह किया था। ये तो क्या होता है फिर इस तरह से सुसाइड मना करते हैं, बात कुछ और नहीं, सोसाइटी की तरफ से नोटिस वगैरह दे देते हैं क्या? ओनर्स डिफरेंट रहता है सोसाइटी को, और सोसाइटी मना करें तो ओनर्स भी कुछ नहीं कर सकते। सौ में से एक ओनर्स रहता है जो बोलते हैं हाँ मैं संभालूंगा मैं देखती हूँ, बाकी तो बोलते फिर क्यों आपने सोसाइटी पर ही देंगे हम भी देंगे तो आपको जिस सोसाइटी में देते हो उसमें देंगे कि आपको एक महीना होगा फिर खाली करना पड़े फिर आप हमारे पास आएंगे कि ऐसा फ्लैट मिलेगा, तो हम भी चाहते कि ऐसे अंदर मिशन मैं लड़की हूँ ना ऊपर से टीवी वाली लाइन तो इसलिए लोग थोड़ा आप जानते ही लड़कियों को क्यों बना लड़की के लिए नहीं लड़के लोगों के लिए मतलब बैचलर्स जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स है, लड़की हो या लड़का हो हर सोसाइटी में फ्लैट्स अवेलेबल है सब कुछ है लेकिन सोसाइटी देना चाहिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते या ओनर भी नहीं कर सकते जो रूल्स है उसके अनुसार करना ही पड़ेगा। मुंबई के ओशीवारा इलाके में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर मिले सभी का यही कहना था कि यहाँ सिंगल लड़की या सिंगल लड़के को किराए पर घर मिलना बेहद मुश्किल है, और अब मुंबई के लोखंडवाला इलाके की भी ये कहानी देखिए। ओशीवारा इलाके में तीन प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह लोखंडवाला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पहुंची। यहां हमारी संवाददाता अंजलि ने इस डीलर को बताया कि वो एक प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटर का काम करती हैं और रहने के लिए किराए पर एक घर चाहिए, लेकिन जवाब वही मिला सिंगल और मीडिया में काम करती हैं इसलिए घर मिलना बहुत मुश्किल है, मीडिया वालों के लाइफस्टाइल से दिक्कत है। इस प्रॉपर्टी डीलर ने यह भी बताया कि एक बड़े चैनल में काम करने वाली दो लड़कियां भी उसके पास घर के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन तमाम मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं लोखंडवाला में ही हूं, थोड़ा ज्यादा रेट एक तो बताया कि ऊपर से थोड़ा सिंगल वाला इशू भी कर रहे थे। कुछ आपने देखा है? नहीं अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ रिसर्च मतलब मोस्टली तो लोखंडवाला में मना कर सब ओशी वाला ही बोल रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं थोड़ा सा बैचलर्स की दिक्कत है, तो आप जॉब में हैं? मैं एक्चुअली मीडिया में हूँ। मीडिया में इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? मैं प्रोडक्शन हाउस नहीं प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटिंग, हाँ। तो आपको लोखंडवाला ही चाहिए? दरअसल यहाँ से ये सब थोड़ा पास पड़ता है ना, अभी मैं मीरा रोड से आती हूँ तो वो मुझे और अभी अभी ही शिफ्ट किया है थोड़े दिन इधर में, क्या थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा प्रॉब्लम्स की क्या है कभी बैचलर्स के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है और ऊपर से थोड़ा सा मीडिया वगैरह अभी जैसे आप कंपनी वगैरह में होते हैं या कोई बैंक वगैरह में होते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, बैचलर्स के लिए थोड़ा सोसाइटी में दिक्कत नहीं आती। तो मीडिया वैसे तो मेरा प्रोडक्शन काम है एक्टिंग वगैरह भी नहीं है। हाँ बहुत ठीक है मैडम, अभी देखो हमारे पास स्टार प्लस की दो लड़कियाँ हैं उनके लिए नहीं मिल रहा है, आपको क्या होता है चैनल्स में जॉब कर सकते हैं दो लड़कियाँ ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है देखना पड़ता है, जब ऐसे भी होता है कि कई सोसाइटीज में अलाउ भी होते हैं बैचलर्स को दिक्कत नहीं होती है।
अच्छा, तो ये रेस्ट्रिक्शन की तरफ से ही लगा हुआ है सोसाइटी? हाँ, नहीं उधर तो दिक्कतें नहीं होती है, सोसाइटी अपने सिस्टम खुद ही बना के बैठे रहते हैं पहले हुआ है सोसाइटी डिस्टर्ब होती है उससे कभी पार्टी शार्टी होती है दिक्कतें थोड़ी सी सोसाइटी में पता चला पार्टी कर रहे हैं 10-5 लोग हैं आपस में आवाज़ होती है शोर शराबा होता है तो बस डिस्टर्ब होते हैं बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिलता है कोशिश करने पर क्या नहीं होता मिलता है बिल्कुल ढूंढने में थोड़ा टाइम जाएगा करेंगे पर तो लोगों ने कहा कि लड़की है तो फिर ऐसी है यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे सर मीटिंग्स वगैरह में सोसाइटी ना सकते तो क्या आना पड़ेगा आपको यहाँ जैसे कि चलो माँ बाप के साथ में आप रहते हैं ऐसा करके बोलना पड़ेगा साथ लड़ती है एबीपी न्यूज की इस लंबी पड़ताल के बाद माया नगरी मुंबई का सच अब आपके सामने है। मुंबई में सिंगल लड़की हो या लड़का दोनों को ही रहने के लिए आसानी से घर नहीं मिलता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे सिंगल लोग आखिर मुंबई में रहने के लिए घर ढूंढें तो ढूंढे कहाँ? अकेली लड़की है, रात को घर देर से आती है, पार्टी करती है, लड़के भी दोस्त होंगे। सुनने में ये बातें किसी छोटे शहर के संकुचित सोच वाले इंसान की लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब मुंबई जैसे बड़े शहर में आप किराए पर घर ढूंढने निकलेंगी तब भी आपको इन्हीं बातों से दो चार होना पड़ेगा। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए ज्यादातर सोसाइटीज ने ये नियम बना दिया है कि सिंगल लड़के और लड़कियों को किराए पर घर ना दिया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ एक घटनाओं के आधार पर सभी के बारे में एक सी धारणा बना लेना कहां तक जायज है। अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।